एक तो आजकल वकालतनामा नहीं आ रहा, उनका कोई छोटा ही पीछे आके खड़ा हो जाता है अहदेदारों का, जो कि बस यूं करके सामने जज साहब के होते हैं और जज साहब पलटा मान लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इट। और आप नहीं, मैं भी ये फेस कर रहा हूँ। मुकदमा मुकम्मल तौर के ऊपर करने को तो मैं भी जाके कह सकता हूँ जी मैं मेंबर बार काउंसिल और मैं ये और मैं वो और मैं फलाना बुद्धर, बट नहीं करता। बात ये कि आपने अपने सर्कल और अपनी डिग्निटी को आपने यहाँ पे बरकरार रखना है और अपना पूरा प्रोफेशनल आपने जोर वगैरह यहाँ पे लगाना है जिस तरीके से प्रॉपरली कर सकते हैं। सदर तो 1 साल ही है ना। बात तो इसके अंदर ये है कि यार देखो, सिस्टम टूटा हुआ है, बहुत करप्शन है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत, उसके बावजूद उसमें आपने एग्जिस्ट करना है। या तो आप मेरे दोस्तों की तरह 80% जो बाहर से पढ़ के आए थे सारे के सारे वकालत छोड़ चुके हुए हैं, या आप मेरी तरह हो जाएं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव कर दें, ट्राई टू एक्चुअली एक्सटेंड द केस के वो फरवरी के अंदर फारिग हो जाए अहदेदार, या 15 और चीज़ें वगैरह करके देख लें। दिस दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू बिकॉज दिस इज़ योर जॉब। टूटे हुए सिस्टम के अंदर आपने करना, यू कांट अलाउ योर सेल्फ टू बी, हाँ मेरा भी दिल चाहता और जाके कि मैं भी कुर्सी उठा के किसी के सर के अंदर जाके मार दूँ, ताले वगैरह अगर और लगा सकते मैं क्यों नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे उस्तादों ने और बाकियों ने नहीं सिखाया हुआ, और दैट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन मी। और अगर मैं नहीं इसको ठीक करता एंड आई डोंट फाइट अगेंस्ट इट, मेरा भाई वो कह रहा था एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स ये वो सारे का सारा, यार आओ, बहुत अच्छी बात है, स्पिरिट के साथ ही मैं यहाँ पे इस प्रोफेशन में आओ, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी की सारी चीज़ें, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपने पॉइंट आउट वगैरह की, एक तरीका तो ये है कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि वकालतनामे के ऊपर वकालतनामा अहदेदारों का नहीं आएगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को हमें अपना ये करके, और अहदेदारों के लिए स्पेसिफिकली एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। मैं ये काफ़ी अरसे से बार काउंसिल में कर रहा हूँ और हम ड्राफ्टिंग भी अभी कर रहे हैं, एक सेमिनार भी इसी चीज़ के ऊपर करेंगे, वकालतनामे पे वकालतनामा देना, दूसरे लोगों के साथ खड़े हो जाना वहाँ पे, वकालतनामा ना भी अहदेदार का पेयर हो जाना। मैडम आसमा जहांगीर ने तो अपना सारा साल वहाँ पे बीच में सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी जब वो सदर थी, तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड जो यहाँ पे इस तरीके से हो सकते। मैं शायद उनसे ज़्यादा कहूँगा, मैंने कम अज़ कम, मैंने किसी पूरा साल जब सेक्रेटरी था और अभी भी सुपरसीड मैं नहीं करता, 10 साल में नहीं किया, ये करप्शन का असल तरीका है। नए मुकदमे लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, अहदेदार हूँ जब था वगैरह, नया अगर कोई फ्रेश आता है या कोई अपील आती है तो करता है, ये रोज़ी रोटी का भी बीच में यहाँ पे मामला है। तो आपने अपना मॉरल स्टैंडर्ड करना है, आप जो चीज़ें वगैरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे यार देखो, ये प्रोफेशनल बहुत एथिकल लोगों का भी और बहुत बहादुर लोगों का और बहुत नोबल लोगों का है। ये बाबा कायदे आज़म, गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, आपका वो उसको कहते हैं मंडेला, दुनिया को जिस बंदे ने तब्दील वगैरह किया वो इस प्रोफेशन से है। यू कैन टेक प्राइड इन इट और यू कैन नॉट टेक प्राइड इन इट, एंड यू कैन जस्ट से कि यार ये क्या गंद वगैरह है। वो भी लड़के, उनके लिए भी कोई इतनी ज़्यादा आसानी वगैरह नहीं थी। कायदे आज़म के टाइम के अंदर सारे के सारे हिंदू यहाँ पे बीच में, दूसरे उनकी मोनोपली थी सारी की सारी, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को कॉर्नर करके वहाँ से आहिस्ता 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 अपनी किया। जहाँ पर डिसएडवांटेजेस होती हैं वहाँ पर एडवांटेजेस भी होती हैं। सो आई मीन बहुत सीरियस मसला आपने पॉइंट आउट किया है, मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है इसकी, बट मैं फिर उसके बावजूद लड़ता हूँ और आपको भी उसके बावजूद। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इज़ द प्रॉबेबली द बेस्ट वे अराउंड दैट।